सौरव सर से एक्चुअली मैं किसी और चीज़ के लिए मिला था एंड उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि मिकी वायरस एक स्क्रिप्ट है, तुम वो करना चाहोगे? तो मैंने कहा ठीक है. एंड सर ने मुझे प्रॉपर पहले नरेशन दिया, उसके बाद एक ऑडिशन हुआ, उसके बाद जाके ये फिल्म मिली. लेकिन आई थिंक मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बड़ा बैनर, बड़ा डायरेक्टर क्यों नहीं. आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, डार बहुत बड़ा बैनर है, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ, देखिए कितने बड़े हैं, एट द एंड ऑफ द डे देखिए स्क्रिप्ट मैटर करती है. एंड आई थिंक सौरभ सर ने डायरेक्शन तो कमाल की है, स्क्रिप्ट इनकी फैबुलस है. तो आई थिंक वहाँ पे अच्छा लगा. एब्सोल्युटली यार, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. आई थिंक पहली मेरी बॉलीवुड फिल्म है, सोलो लीड मिला है. आई थिंक ऑल ओवर मुंबई होर्डिंग लगे हैं, बड़ी खुशी हो रही है. आई थिंक जब मैं मेरी नानी वगैरह बॉम्बे से हैं, मेरी मम्मी बॉम्बे से हैं, तो हम लोग छुट्टी मनाने आते थे, तो मैं जुहू बीच पे होर्डिंग्स देखता था तब भी. तो आज मेरी होर्डिंग वहाँ पे लगी है, तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मुझे बड़ी खुशी हुई है. मैंने बहुत शोज़ किए हैं इनके साथ, चाहे वो सलमान सर हों, शाहरुख सर हों, माधुरी जी हों, करण जी हों, अनिल कपूर हों, सबके साथ मैंने बहुत काम किया है. लेकिन आज जब मेरी बारी आई है तो कोई पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने प्रोमो रिकॉर्ड किया. एक जनरल आइडिया मुझे आया था, मैंने कहा एक एक लाइन आप लोग अगर रिकॉर्ड करते फिल्म के लिए, तो मैं एक प्रोमो बनाने का सोच रहा हूँ. तो सब ने बिल्कुल आगे बढ़ के कहा क्यों नहीं, एंड सब ने आगे साथ दिया. ना ही सिर्फ प्रोमो रिकॉर्ड किया, सब लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में. तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील ब्लेस्ड कि ये लोग इतना साथ दे रहे हैं. देखिए मैं इस बात पे सौरभ सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक शायद मुझे कोई अगर फिल्म देता तो वो सिर्फ कॉमेडी देता, लेकिन सौरभ सर ने एक ऐसी फिल्म दी है जिससे मेरा परसेप्शन चेंज होगा लोगों का. इसमें मैंने कॉमेडी तो की है, लेकिन कुछ सीरियस सीन्स भी हैं, एक्शन भी है, रोमांस भी है, पहली बार टी शर्ट भी उतर रही है. तो आई थिंक बड़ा कुछ करने को मिला. सो अब देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है. पिक्चर में बजट वैसे भी कम था, टी शर्ट तो उतरनी थी. मैं तो कह रहा था इनको पहले ही और कम कर. मैं दोस्तों के अकाउंट हैक करता था, हैक भी किया, उनके पासवर्ड तोड़ लेता था मैं, वो फॉरगेट योर पासवर्ड में जाके उनके, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनकी अंग्रेज गर्लफ्रेंड्स थी, तो मैं उनके ईमेल पढ़ के बड़ा खुश होता था. तो मैं कई बार वो मस्तियां कर लेता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ. थैंकफुली मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जनरली उन शोज़ में मैंने एक टाइम पे पार्टिसिपेट किया. झलक में ही पहली बार मुझे मौका मिला अपनी फिल्म प्रमोट करने का. मैं कॉमेडी सर्कस में गया था, जहाँ पे उन्होंने बतौर जज मुझे बिठाया. बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ के सब लोगों ने हेल्प किया है, बिकॉज मैं कॉमेडी सर्कस का भी हिस्सा रहा हूँ. संजीव कपूर सर जो हैं उनके शो में गया था, उन्होंने भी आगे बढ़ के इतना बढ़ चढ़ के फिल्म के बारे में बोला है. बहुत सारे लोग हैं, रेडियो से लोग बुला रहे हैं, बिकॉज मैं रेडियो से रहा हूँ, टेलीविजन में अच्छे रिश्ते हैं. तो आई थिंक काफ़ी जगह जा रहा हूँ, लेकिन सब जगह ये अच्छा लगता है कि सब लोग एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड आगे बढ़ के हेल्प करें. ये नहीं कि हाँ चलो आ गया फिल्म प्रमोट करने, येट अनदर एक्टर, वो चीज़ नहीं लग रही. तो उससे बहुत खुशी हो रही है. ये फिल्म एक कॉमिक थ्रिलर है, 25 अक्टूबर को आ रही है. और इस फिल्म का एक बहुत खास बात है कि इसमें ना सिर्फ कॉमेडी है पर बहुत सारा थ्रिल है. ये फिल्म में बहुत सारे रूप आपको देखने के मिलेंगे मिकी वायरस के, जिसमें ना सिर्फ आप इनको देखेंगे जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हैं, बट और भी बहुत सारे रूप हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. मुझे ये लगता है जब ये पहले मैंने कहानी लिखी तो एक तरीके से लिखी गई थी, और तब मुझे मिले मनीष पॉल, जिनको मिलने के बाद मुझे लगता है कि कहानी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एंड आज की डेट में हटाना, मनीष पॉल को मिकी वायरस से हटाना, या मिकी वायरस को मनीष पॉल से हटाना नामुमकिन के बराबर है.